उसका वध कर कैलाश को उसके प्रकोप से मुक्त करेंगे। कौन है ये दोनों? ये तो महादेव के पुत्र हैं। हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दंबासु ने कैलाश पर अधिकार करने का अपना कुटिल उद्देश्य पूर्ण करने का दुस्साहस किया है। कैलाश शक्ति का केंद्र है। कैलाश को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो समस्त ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा। इसलिए दंभासुर ने अपना अधिपत्य स्थापित किया जिससे वो समस्त शक्ति को नियंत्रित कर सके। किंतु कैलाश तो हमारा स्थान है, उसपे तो मात्र आपका अधिकार है। कैलाश से उत्पन्न ये शक्ति ने कैलाश को बांधा हुआ है। आपके एक आदेश से इस बाधा का अंत हो जाएगा। हाँ पिताश्री, आपकी शक्ति के समक्ष तो सभी की शक्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। इसीलिए आप ही सहजता से इस शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, कैलाश की शक्ति का संचार मुझसे ही हुआ है और ये शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के केंद्र से संयुक्त है। इसलिए इसे नष्ट किया तो समूचा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। उचित अवसर की प्रतीक्षा की है दंबासुर ने कैलाश पर अपना अधिकार स्थापित करने की। उसने वही समय चुना जब हम कैलाश से प्रस्थान कर रहे थे। और अब कैलाश की शक्ति से ही इस बाधा का निर्माण कर अपनी सुरक्षा को भी निश्चित किया है उसने, क्योंकि उसे भलीभांति ज्ञात है कि हम उसे भेद कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में नहीं डालेंगे। पिताश्री, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। देवताओं की ऊर्जा बार बार इस घेरे से टकराकर संपूर्ण कैलाश को भी नष्ट कर सकती है, और यदि कैलाश को क्षति पहुंची तो ब्रह्मांड की भी हानि होगी। दंभासुर का भाग्य था कि उसने रिक्त कैलाश पर आधिपत्य स्थापित किया, किंतु ये हमारा भाग्य है कि मैं और भैया इस घेरे के भीतर हैं। अब हम दोनों उसका वध कर कैलाश को उसके प्रकोप से मुक्त करेंगे, और इसका अंत होते ही इस अदृश्य मायावी घेरे का भी अंत हो जाएगा। अवश्य गणेश। चलिए भैया, दंभासुर से भेंट कर उसे उचित पाठ सिखाने का समय आ गया है। अनुचित करके किसी और के निवास का अधिग्रहण करने वाले को पाठ पढ़ाना होगा कि सृष्टि के समक्ष एक उदाहरण बन सके कि ऐसा करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। संपूर्ण ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। विजयी भव, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना।
अधिपति हूँ मैं कैलाश का, अधिपति हूँ मैं कैलाश का, अधिपति हूँ मैं कैलाश का, उचित अधिकारी हूँ महादेव के सिंहासन का। पिताश्री, ये क्या हो रहा है? संभालिए पिताजी, संभालिए। पिताजी, कैलाश में ये भूकंप कैसा? मेरी प्रचंड ऊर्जा भारी पड़ रही है इस पर। मुझ जैसा बलवान अधिपति जो स्थापित हो रहा है यहाँ पर, ये भूकंप मेरे प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उचित कह रहे हैं आप पिताजी, आपकी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है ये कैलाश। इसकी चिंता हमें नहीं, उन देवताओं को करनी चाहिए जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष अपने शीश झुकाने को बाध्य होंगे। ये भूकंपन शुभ संकेत नहीं है। देवताओं की ऊर्जा से संपूर्ण कैलाश कंपित हो उठा है, तो दंभासुर भी अवश्य सचेत हो ही गया होगा। भैया, आसुरी प्रवृत्ति क्रोध और अहंकार के वश में होने के कारण बुद्धि की शत्रु होती है, और असुरों की ये बुद्धिहीनता ही सदैव उनकी पराजय और विनाश का कारण बनती है। दंभासुर पर दंभ का इतना मच छाया होगा कि चिंतित होने के स्थान पर कदाचित इस भूकंपन को वो अपनी शक्ति का ही प्रभाव मान बैठा होगा। चलो फिर, दंभासुर का ये भ्रम हम तोड़ देते हैं। हम देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही है सुरक्षा घेरे के विरुद्ध। क्या करूं, इसे कैसे खंडित करेंगे हम? पुत्रो, ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे हम। त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम। अब हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्थान लेंगे। पिताजी, समस्त ब्रह्मांड की सत्ता अब हमारी होगी। हाँ। अनंत काल तक स्थापित रहेगा हमारा असुर साम्राज्य। उचित कह रहे हो पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्थान अब हमारा होगा, केवल हमारा। पुत्र कार्तिक, पुत्र गणेश, जो भी करना सावधानी से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। भैया, कैलाश में होने के कारण दंभासुर अभी अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है, इसीलिए उसे शक्ति से नहीं चतुराई से पराजित करना होगा। हमें सर्वप्रथम उसे भवन के बाहर आने के लिए प्रेरित करेंगे हम, फिर मैं उसे उलझा लूंगा, तब आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उसके अन्य असुरों को भी बाहर निकाल दीजिएगा। बस फिर कैलाश की शक्ति पर उसका नियंत्रण समाप्त होगा और ये सुरक्षा घेरा स्वयं मिट जाएगा। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम है तुम्हारी, किंतु इन असुरों को हम बाहर लाएंगे कैसे? अग्रज सेनापति कार्तिके, उसकी योजना है मेरे पास। चतुर 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 ज्ञानी,
भैया, आपको गिल्ली डंडा की क्रीड़ा भाती है ना? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा? हाँ भैया, हाँ मूषक जी, गिल्ली डंडा। प्रभु, ये तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी और युक्ति भी, कभी कभी सरल युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। चतुर 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 ज्ञानी। पिताजी, ब्रह्मांड की समूची शक्ति के केंद्र कैलाश पर अधिकार करने की आपकी योजना अति उत्तम थी, जिसकी सफलता ने हमें सर्वशक्तिशाली बना दिया है। ये कैसी ध्वनि है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? पिताजी, ये तो बहुत दूर से आ रही है। शीघ्र देखो पुत्रो, कहीं ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल तो नहीं। दोनों और क्या कर रहे हैं यहां? ये तो महादेव के पुत्र हैं। महादेव के पुत्र? आश्चर्य, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? यहां कैसे प्रवेश किया इन दोनों ने? संकट, संकट का संकेत है ये दोनों। दोनों यहां हैं तो पुनः कैलाश पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे। हमें सावधान रहना होगा पुत्रो। चिंता छोड़िए पिताजी, ये तो मात्र बालक हैं। चिंता तो इन्हें होनी चाहिए। किंतु ये यहाँ कर क्या रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक है भैया। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। अब समझा मैं, ये बालक तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मस्त हैं। हमसे युद्ध नहीं कर सकते ये, गिल्ली डंडा ही उचित है इनके लिए। पिताश्री, आपके ये दोनों महान पुत्र इन महादेव पुत्रों को अभी क्रीड़ा सिखा कर आते हैं। ऐसी क्रीड़ा सिखाएंगे इन्हें कि सीधा कैलाश के बाहर फेंक देंगे। जाओ पुत्रो और इन दोनों से शीघ्र छुटकारा पाओ। जाओ। जी पिताश्री। अब मेरी बारी है भैया। अच्छा, उचित है गणेश। ए बालकों, यहाँ क्या कर रहे हो? देखना भैया, इस बार मेरी गिल्ली आपसे कहीं दूर जाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। ए बालकों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये क्या है? इतना विशाल का मयूर,
कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटता हूँ। बिल्ली तो मैं ही पकड़ूंगा मयूर जी। बिल्ली तो मैंने पकड़ ली, किंतु मयूर जी मुझसे टकराने वाले हैं। प्रभु, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गिल्ली लेकर आया हूँ मैं। उत्तम, अति उत्तम मूषक जी। बड़ी विचित्र क्रीड़ा है ये, इसमें मयूर और मूषक भाग ले रहे हैं। ये लीजिए भैया, अब आप प्रयास कीजिए, देखते हैं आपकी गिल्ली कितनी दूर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे मैं कह रहा हूँ उत्तर दो। अन्यथा ये सब क्या है? वाह भैया, वाह मूषक जी, इस बार भी गिल्ली मैं ही लपूंगा। अरे इस बार तो मयूर जी गिल्ली ले गए। बहुत हुई ये क्रीड़ा दुष्टों। बस रोको अपनी इस क्रीड़ा को। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे मूषक जी पकड़िए, मूषक जी गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है ये सब? प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय दोनों का कोई समाचार नहीं। आशा करता हूँ वो दोनों वहां कुशल होंगे। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव, प्रत्येक बार ये ऊर्जा इस अदृश्य घेरे से टकरा कर लौट रही है, ये कैलाश के और भी समीप होती जा रही है। आपकी चिंता उचित है देवराज, किंतु अभी हमारी प्रतीक्षा करना ही उचित है। हमने यदि इस सुरक्षा घेरे को खंडित करने का प्रयत्न किया तो भी उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। हाँ नारायण, इस समय हमारी शक्ति कैलाश को मुक्त कराने के स्थान पर उसे क्षति ही पहुंचाएगी। बड़ी आनंददायक स्पर्धा है ये। अब मेरी बारी है ना भैया? देखिए मेरी गिल्ली कितनी दूर जाती है। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु तुम्हारी गिल्ली मुझसे अधिक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी सर्वाधिक शक्ति जो लगाई थी। अच्छा, तब तो यही उचित होगा कि मैं भी अपनी सर्वाधिक शक्ति लगाऊं। आपका आकार मुझसे बड़ा है, इसलिए अधिक शक्ति लगा पाते हैं ना आप। तो लीजिए मैं भी बढ़ा लेता हूँ अपना आकार। अरे ये क्या, इसने अपना आकार इतना कैसे बढ़ा लिया? प्रातः श्री, ये बालक तो मायावी प्रतीत होता है। ए बालकों, बस बहुत हुआ। कदाचित अभी मेरा आकार पर्याप्त नहीं है, एक क्षण रुकिए तो भैया। हाँ अब उचित है। ए बालक, ये आकार बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और हाँ, होगे तुम शिव पुत्र होगे, पर हम लोग भी
दंभासुर पुत्र है। वैसे भी अब तुम्हारे पिता कैलाश के स्वामी नहीं रहे, कैलाश के स्वामी तो हमारे पिता दंभासुर है। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और अपना खेल भी खेलेंगे। अब देखना कितना मजा आता है। मेरे पुत्र अभी तक लौटे नहीं, क्या हो रहा है वहां? कैलाश के सिंहासन पर विचार करता हूं। मेरी शक्ति को नहीं सह सकेगा ये सिंहासन। उचित है। यहीं से शुभ सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। कैलाश का स्वामित्व प्राप्त करते तुम्हारे पिता दंभासुर तो महादेव के आसन पर स्थित होते, किंतु वो तो सेवकों के समान सोपान पर स्थित होने पर विवश है। हमारे पिता का अपमान कर रहा है ये बालक। महादेव का आसन ग्रहण करने का साहस कहाँ है उनमें? ऐ बालक, अनुचित है तुम्हारा कथन। छोड़ो इन्हें गणेश, आओ क्रीड़ा करें। हाँ भैया, किंतु मुझे तैयार तो होने दीजिए। जहाँ इच्छा होगी वहाँ स्थान लेंगे पिताजी। कैलाश के स्वामी है वो, किंतु तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा विचित्र प्रश्न है ये, देखते नहीं गिल्ली डंडा की क्रीड़ा कर रहे हैं हम। अरे अरे गणेश, ये क्या, आकार तो बढ़ा लिया तुमने, किंतु अब डंडा छोटा रह गया। अब इतने छोटे डंडे से तुम अधिक बल कैसे लगा पाओगे? हाँ उचित कह रहे हैं आप भैया, मुझे बड़े डंडे की आवश्यकता है, किंतु बड़ा डंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बड़ा डंडा, यहाँ तो कोई बड़ा डंडा दिख ही नहीं रहा। हाँ ये उचित है। ये क्या कर रहे हो? अरे भ्रातश्री संभल के, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। अरे ये बालक क्या कर रहा है? लीजिए भैया, बड़ा डंडा भी ढूंढ लिया मैंने। अरे ये क्या कर रहे हो दुष्ट बालक, नीचे उतारो मुझे, डंडा नहीं हूँ मैं। भ्रातश्री संभल के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। भ्रातश्री आप चिंता मत कीजिए, मैं ये गिल्ली को ही हटा दूंगा। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको बालक। लो गणेश, अब मैं इस गिल्ली को पुनः तुम्हारी ओर भेज देता हूँ। ये मेरे पुत्रों की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है मुझे? अरे ये उचित नहीं है। लो गणेश,
फिर आ गई गिल्ली तुम्हारे पास। पुनः इस बार और दूर भेज दो इस गिल्ली को। वाह भैया, इस गिल्ली डंडा में तो और भी आनंद आ रहा है। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। देखूं तो सही क्या हो रहा है वहाँ। ये कंदूक कहां से आ गई यहां? ये शिव पुत्र इतना विशाल काय कैसे हो गया? ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहां है? ये तो कंदूक नहीं है, ये तो कोई जीवित प्राणी है। इसके तो हाथ पांव हैं। बड़ी आनंददायक क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरे पुत्र हैं वो, क्रीड़ा की सामग्री नहीं। सैनिकों कहाँ हो, शीघ्र जाओ, वो दुष्ट शिव पुत्र तुम्हारे युवराजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जाओ सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की रक्षा करो। गणेश सावधान, अपने पीछे देखो। क्या हुआ बालक? सैनिकों को देखकर प्राण सूख गए तुम्हारे? अब शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन है कैलाश का स्वामी। अच्छा तो ये भी देख लेते हैं असुर जी। हम अपने स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? युद्ध करना है तो अपने किसी अस्त्र से करो। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको इस दुष्ट बालक के हाथों से मुक्त करवा दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो सैनिकों, आक्रमण करो ये दुष्ट बालक पे। जाओ ऐसे तो भ्राता श्री को कष्ट होगा। अरे ये तो हमारी वार हो रहा है, अपना बचाव करना होगा हमें। मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ये शिव पुत्र। अरे रुको मूर्खों, अपने वार से ज्येष्ठ सुंदर प्री को आहत कर रहे हो तुम लोग, रुको। दुष्ट बालक, मैं करूंगा तुम्हारी दुष्टता का अंत। मेरी बाणों को नष्ट करने वाला कि दूसरा बाण कहां से आया? शिव पुत्र धनुष बाण लेके खड़ा है। अरे छोड़ दो मुझे, अरे डंडा नहीं हूं मैं।
समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं अब? पिताश्री, स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है, अब आपको ही कुछ करना होगा। पिताश्री, मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्र को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र, मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। बुराई के अति का अंत आवश्यक है, इसलिए उसका उत्तर भी अवश्य देना चाहिए। कैलाश चाहिए ना तुम्हें? अगर इस कैलाश का अस्तित्व ही ना रहे तो ये क्या करने जा रहे हैं? माँ, आपको दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा नहीं कर सका। पुत्र गणेश,